जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग गोधा कैबकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम करने वाली यह एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन रिटेल निवेशकों के पार्टिसिपेशन के हिसाब से जब आप देखेंगे तो ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है इसमें रिटेल निवेशकों के इन्वेस्टमेंट का। इसमें सबसे ज़्यादा जिनका लगाव है, जिनका इसमें कह सकते हैं एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है और जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने की चाहत है, वो हम और आपके जैसे रिटेल निवेशक ही हैं। इसलिए हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो, इस तरह के स्टॉक के बारे में बातें होती रहती है और उनमें से एक है ये गोधा कैबकॉन इंस्टीट्यूशंस लिमिटेड। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि लंबी अवधि में निवेश के लिए स्टॉक कैसी है। थोड़ा बहुत यदि कुछ कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो उसको इस वीडियो में राहत देने की कोशिश करूंगा। कि मतलब ऐसा नहीं कि संतावना दूंगा, आपको स्पष्ट बताऊंगा कि क्यों इसमें राहत वाली खबर है, आपको क्यों इसमें अभी समय देना चाहिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के काम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ये जो कंपनी है गोधा कैबकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड, सबसे पहले तो 2007 में बनी, 2007 से ये मार्केटिंग में है। ये जो काम करती है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर करती है। किस चीज़ का मैन्युफैक्चर करती है? कंडक्टर बनाती है। कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में यूज होने वाला एक सब्जेक्ट है जिससे वायर का टेस्ट किया जाता है। बेसिकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है जिसमें वायर सिर्फ कंडक्टर इंसुलेशन वगैरह बनाया जाता है। ये सभी काम आने वाली चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। तो देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों जो कंपनियाँ हैं उनमें बहुत ही कम कंपनियाँ आपको शेयर बाजार में लिस्टेड दिखेंगी और खासकर इस तरह की छोटी कंपनियाँ। तो हमें छोटी कंपनियों पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि छोटी कंपनियों में सही समय पर यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मौका देके, तभी वो आगे चलकर बेहतर रिटर्न आपको जनरेट करेगी। क्योंकि छोटी कंपनी उसको ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो काम के हिसाब से देखें तो गोधा कैबकॉन बेहतर स्टॉक हमें नज़र आता है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फंडामेंटल समझ लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो यदि हम मार्केट कैप को डिस्कस करें तकरीबन 43-44 करोड़ के आसपास, 43-44 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है और स्टॉक का पी यहाँ पे नदारद है क्योंकि छोटी कंपनी में पी होता नहीं है। शेयर प्राइस देखेंगे तो सिर्फ 65 पैसा है। हालांकि एक समय कुछ दिन पहले ही इसमें 1 रुपये के ऊपर इसने अपना क्लोजिंग दिया था, मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। अभी देखिए, अभी क्या है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, इसके जो बुक वैल्यू है 1 रुपये 2 पैसा, इससे कम है। सामान्यतः तो जो शेयर प्राइस होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है यह भी माइनस में है। यानी कि देखिए, माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा जब क्वार्टरली रिजल्ट, हर क्वार्टर टू क्वार्टर बेहतर होगा। जब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले समय में रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर होते हुए दिख रहा है कि नहीं। यदि बेहतर होते हुए दिखेगा फंडामेंटल, अभी तक तो हमें उतना अच्छा नज़र नहीं आया है, लेकिन आगे नज़र आएगा तो फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं 1 साल के चार्ट पर और 1 साल के चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये समझ लेते हैं कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। तो देखिए, ये इसके लिए जो लाइन है 1 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको अक्टूबर में इस बार इसने ब्रेक कर दिया। हालांकि ब्रेक तो पहले कर दिया था लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। तो सामान्यतः जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो चांसेस होते हैं उसके प्राइस के ऊपर जाने के, 90 से 95% स्टॉक में ऐसे ही होता है कि कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस निकलता है तो ये सामान्यतः ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऊपर जाने के बजाय प्राइस नीचे आ गया और नीचे आ गया तकरीबन 50 पैसा के आसपास। अब देखिए, अभी सबसे अच्छी बात क्या है कि इस स्टॉक का प्राइस फिर से 80 पैसा से लेकर 60 पैसा के बीच में आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। और अभी देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही इसका प्राइस, मतलब इस दोनों लाइन के बीच में यदि बात करें तो इसमें कंसोलिडेट कर रहा है। अब सेकेंड बार भी प्राइस के नीचे जाने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि सामान्यतः एक बार ही स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद नीचे जाता है, हर बार नीचे नहीं जाता है। तो यहाँ पे चांसेस चलेंगे इस कंपनी के प्राइस को ऊपर जाने का। और जब ऊपर निकलेगा तो इसमें इतना पोटेंशियल जरूर है कि कम से कम ये जो लाइन है 1 रुपये का लेवल, इसको इजीली ये ब्रेक कर देगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में आप इजीली 1 रुपये के लेवल के लिए आप जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना है। तो उन्हें अभी इसमें समय देना है जब तक कि प्राइस, मतलब इस लाइन के जो नीचे ये जो लेवल है 60 पैसा का, इसके नीचे ना जाए। जैसे इसके नीचे आने लगता है और आके यहाँ पे ट्रेड करने लगता है तब आप इसमें से चाहें तो बाहर हो सकते हैं क्योंकि तब प्राइस और तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। हालांकि आप समय दीजिए, ये प्राइस नीचे जाने के चांसेस कम है। और जो नए व्यक्ति क्या करेंगे, जैसे इस कंपनी का प्राइस 1 रुपये से ऊपर निकले, 1 रुपये के लेवल के आसपास जैसे आके यहाँ पर सस्टेन करें, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा भले महंगा मिलेगा लेकिन कन्फर्मेशन के साथ उठाएंगे तो आपको रिस्क होने के चांसेस कम रहेंगे। तो नए व्यक्ति पुराने व्यक्ति को क्या करना है इस स्टॉक को मैंने बता दी। अब चलिए हम सीधे चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं।
तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के सेल्स की। तो देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का सेल्स नदारद है। यही वजह है कि क्वार्टरली रिजल्ट खराब आने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में शार्प गिरावट देखने को मिली है। और जब सेल्स नहीं हो रहे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यह भी देखेंगे, प्रॉफिट तो नहीं है, कंपनी लॉस में है। हालांकि कर्ज में लॉस एक प्रकार से कंपनी का बढ़ते जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें जो टैक्स ऑफ देने के बाद बचता है, तो नेट प्रॉफिट का हाल और बुरा ही, इसमें कंपनी और ज़्यादा लॉस में। पहले सिर्फ 10 लाख का लॉस था, अभी बढ़कर 34 लाख का हो गया है। और अभी जो दिसंबर क्वार्टर के यानी Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें देखेंगे तो कंपनी का लॉस हो सकता है कहीं बढ़ के और 50 लाख के आसपास हो जाए। तो इसलिए अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा। हालांकि जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना है मैंने बता दिया, जैसे प्राइस 60 पैसे के नीचे आए तो आप यहां पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर प्राइस और तेजी से नीचे आ सकता है। जब इस कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भी और फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोधक कैपकॉन में अभी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पर यह स्टॉक खड़ा नहीं उतरता है। आप इसमें बेहतर होने की कोशिश कर सकते हैं, जब बेहतर होगा फिर आप इस पर इन्वेस्टमेंट चाहें तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गोधा कैपकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आप इसे समझ पा रहे होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।